रानी। सो गाइज, आज का वीडियो ना फोटोशूट व्लॉग होने वाला है। सो आज है 16 अगस्त और आज से दो दिन बाद है जन्माष्टमी। सो आज ना मैं जन्माष्टमी के लिए कुछ स्पेशल फोटोशूट सोच रही हूँ। सो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं राधा का लुक रिक्रिएट करती हूँ। और गाइज, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, लाइक बिहाइंड द सीन, कि मैं अपनी फोटोज अकेले, मतलब बिना किसी के हेल्प के, अकेले कैसे खुद से क्लिक करती हूँ। सो सब कुछ दिखाऊंगी। और गाइज, फोटोशूट हम घर पर ही करेंगे, ऊपर मेरे रूम में और टेरिस में, क्योंकि अभी तो मैं बाहर जा नहीं सकती, कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए कि बाहर लेकर जाए और मेरी फोटोज क्लिक करे। इतनी किस्मत वाली नहीं हूँ मैं। और आप लोग तो समझ ही सकते होंगे कि जब आपकी फोटोज क्लिक करने के लिए कोई नहीं रहता, आप बहुत अच्छे से रेडी हुए रहते हो, और फोटोज क्लिक करने के लिए कोई नहीं रहता, खुद से ही करना पड़ता है, तो कैसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, हम खुद से बहुत अच्छी क्लिक करेंगे फोटोज, कि हमें किसी और की नीड नहीं पड़ने वाली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको आउटफिट दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी। सो ये है ब्यूटीफुल सा येलो कलर का लहंगा सेट, और यही मैं पहनने वाली हूँ। वैसे मैंने इसमें ऑलरेडी फोटोशूट कर लिया, आप लोगों ने देखा भी होगा लहंगा पोजेस वाली वीडियो में, बट फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो यस, हम यही पहनेंगे। सो ये है इसका। एंड ये ब्लाउज ना गाइस मेरी मम्मा ने बनाया है, और इसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकते हो अगर आपको भी सेम बनवाना है तो। उन्होंने अपने चैनल पे ना वीडियो भी डाली है। सो अब मैं आपको इसका लहंगा भी दिखा देती हूँ। सो ये है इसका प्यारा सा लहंगा, इसके नीचे पे बहुत प्यारी सी बॉर्डर भी दी हुई है, और ये बहुत अच्छा है हल्दी सेरेमनी एक्सेट्रा के लिए, अगर आप लेना चाहते हो तो। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइज, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं बता रही हूँ। गाइज, इसका प्राइस ना ओनली 300 के अराउंड है, सो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, सो आप ले सकते हो अगर चाहो तो। एंड इसके साथ में ना दुपट्टा भी मिल जाता है, सो ये प्लेन येलो कलर का दुपट्टा भी मिल जाता है, सो यस। और यहाँ पे मैं एक ऑप्शनल दुपट्टा भी रख रही हूँ, और भी चीजें चाहिए फोटोशूट के लिए। सो ये है प्यारी प्यारी सी मटकी, क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी मटकी। सो इसे यूज करके भी मैं फोटोज क्लिक करूंगी। वैसे ये डांडिया ना हैंडमेड है, ये मैंने और मम्मा ने बनाई है, सो आप देख सकते हो, ये हमने लेस के हेल्प से बनाई है, और इसमें ये पॉम पॉम भी लटका दिए हैं। सो इसका भी वीडियो ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो कि हमने कैसे बनाई। और हाँ, ये लास्ट ईयर बनाई थी, क्योंकि नवरात्रि का फोटोशूट करना था और पेपर को पूरा रोल करके उसके ऊपर लेस लगा दिया था। एंड लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है ये प्यारी सी पिकॉक फेदर, इट मीन्स मोर पंख। सो मेरे पास ना काफी सारे हैं, तो कुछ तो टूट भी गए हैं, ये सभी लास्ट ईयर के ही हैं, मैंने लास्ट ईयर भी फोटोशूट किया था, सो मैंने उसमें यूज किया था। सो आप देख सकते हो कितने प्यारे लगते हैं, और इनसे गुदगुदी करो ना तो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है गाइस, अब पता है 4 बज चुके हैं और अभी तक मैंने फोटोशूट स्टार्ट नहीं किया है। अंधेरा होने से पहले मुझे अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करनी है, और एक और वीडियो में डालूंगी जन्माष्टमी फोटोशूट के ऊपर, राधा लुक रिक्रिएट के ऊपर मेकअप लुक भी डालूंगी, तो वो दो वीडियोस ना आप लोग जरूर देख लेना। तो चलो अभी ऊपर जाके हम मेकअप करते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं, फिर फोटोज क्लिक करने की तैयारी करते हैं। एंड गाइज, ये वाली फ्लावर ज्वेलरी मैं पहनूंगी, और ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर शीतल ज्वेलरी हाउस ने भेजी थी, एंड पहनने के बाद में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, सो आप लोग देखिएगा। सो गाइज, सबसे पहले ना मैं राधा मेकअप लुक रिक्रिएशन के ऊपर वीडियो शूट कर रही हूँ, और आप देख सकते हो मैंने ट्राइपॉड पे अपना फोन लगाया हुआ है, और सबसे पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ, और इसका वीडियो ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर मैं इसी में दिखाती मेकअप लुक भी, तो वीडियो काफी लंबी हो जाती और आप लोग स्किप कर देते, इसलिए मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी, तो आप जरूर देख लेना। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और साथ साथ मेरा मेकअप भी हो जाएगा। मैं फोटोशूट के लिए रेडी हो गई हूँ, एंड आप मेरा मेकअप एंड आउटफिट एक्सेट्रा देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। सो एंड गाइस, पता है अभी मैं नीचे गई थी मम्मी पापा को दिखाने कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो पापा बोलते हैं एक भी मेहमान नहीं आया और घर में शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है। हम जोकिंग, और वो लोग मार्केट गए थे ना, तो मेरे लिए कुरकुरे लेके आए, तो मैं तुम्हें खा लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इस आउटफिट में। अब हम फोटोज क्लिक करेंगे, बट मैं लोकेशन सोच रही हूँ कि मैं अंदर हूँ या फिर बाहर हूँ टेरेस में। और पता है मैं इतनी देर से रेडी हो रही थी कि पूरी धूप जा चुकी है, बस थोड़ी थोड़ी धूप बची है। सो अब देखते हैं पिक्चर्स कैसी आती है। उससे पहले एक चीज और रह गई है, वो है ये
आई थिंक इसको आलता बोलते हैं। सो जल्दी से मैं इसे लगा लेती हूँ। और ये बट्टा हमेशा गिर जाता है लगाते टाइम, जब भी मैं इसे लगाती हूँ। पर मैं कोशिश करूंगी कि ये मेरे ऊपर ना गिरे। खुल जा, नहीं खुल रहा है, मुझे पहन क्या। और मैं ये ईयरबड की हेल्प से इसे लगाऊंगी। ना बहुत प्यारा लगता है रेड रेड, यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। अगर मेरे चैनल पे ना फोटोशूट ब्लॉग्स या डेली ब्लॉग्स देखने हैं तो आप लोग मुझे ना कमेंट करके बताया करो, तभी मैं लेकर आऊँगी। नहीं तो मुझे क्या लगेगा कि आप लोगों को ब्लॉग्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं करती। तो गाइस दोनों हाथों में मैंने लगा लिया है और अब हम फाइनली फोटोशूट करेंगे। और मेरे पास ना बड़ी वाली नथ नहीं थी, सो मैंने ये छोटी वाली नथ पहनी हुई है। एंड या इट्स ऑल्सो लुकिंग प्रिटी। और इसके बाद रील्स के लिए कुछ वीडियोस भी शूट करेंगे। सो पहले फोटोशूट कर लेते हैं। मोर पंख और मटके, अब लग रही है ना एकदम राधा टाइप। सो गाइस आप लोग प्लीज़ बताना मेरा राधा वाला लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी ना इसे करने में। यहाँ पे मैंने अपने ट्राइपॉड रख दिया है टेरेस में बीच में एकदम, और अब मैं उसके सामने खड़े होकर फोटोज क्लिक करूंगी। फोन मैंने लगा दिया है। सो आप लोग सो गाइस यहाँ पर मैं फ्रंट कैमरे में टाइमर की हेल्प से फोटोज क्लिक कर रही हूँ, और मैं स्काई को एज अ बैकग्राउंड ले रही हूँ ताकि पिक्चर और भी ज़्यादा अच्छी आए। और यहीं पर मैंने कुछ वीडियो भी शूट कर लिया है। अब नेक्स्ट फोटोशूट मैं बैठ कर रही हूँ। एंड इसके बाद है ना मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, सो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। बट थैंक यू सो मच गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस। एंड फोटोज़ कैसी आई उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।